हाय फ्रेंड, टेक्निकल हीरा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि काइन मास्टर में क्रोमा की का क्या यूज है, इसको कैसे इनेबल करते हैं, इससे वीडियो कैसे एडिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोमा की का यूज वीडियो के बैकग्राउंड को हटाने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप अच्छे से वीडियो एडिट कर सकें। आपका जो बैकग्राउंड का कलर है वो सेम होना चाहिए। यह इस प्रकार नहीं होना चाहिए कि आधा काला आधा नीला, नहीं तो जो वीडियो का बैकग्राउंड है वो अच्छे से चेंज नहीं हो पाएगा। दूसरा, जो आपका बैकग्राउंड का कलर है वो काला या सफ़ेद नहीं होना चाहिए। और तीसरा, आपका कपड़े का जो कलर है वो आपके बैकग्राउंड के कलर से मैच नहीं करना चाहिए, या वो कपड़ा जो आप रखे हो वो बैकग्राउंड से मैच नहीं करना चाहिए। तो चलिए काइन मास्टर ऐप स्टार्ट करते हैं। अब आप काइन मास्टर ओपन कर कोई रेशियो चुन लीजिए। इसके बाद आप कोई बैकग्राउंड चुन लीजिए। बैकग्राउंड चुनने के बाद आप कोई मीडिया चुन लीजिए जो जिसका बैकग्राउंड का कलर सेम हो। और इसके बाद आप क्रोमा की को इनेबल कर दीजिए। इसके बाद जो ये की कलर है वो आपके बैकग्राउंड के कलर से मैच करना चाहिए, जिससे कि आप बैकग्राउंड हटा सकते हैं। और अब आप सही की टिक पर कर दीजिए। इसमें आप कोई टेक्स्ट भी जोड़ सकते हैं जिसका कि बैकग्राउंड सेम कलर का हो। तो चलिए इसी तरह हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कोई मीडिया चुन लेते हैं। मीडिया में जाकर मैं कोई इमेज का टेक्स्ट चुन लेता हूं जो कि सेम कलर में है। तो यहां से मैं इस नीले कलर को चुन लेता हूं। इसके बाद मैं क्रोमा की में जाकर फिर से इनेबल करता हूं। तो देखिए यहां की कलर फिर से नीला आ गया, क्योंकि उसका भी कलर जो था बैकग्राउंड कलर था वो नीला था, इसलिए यहां भी नीला आ गया। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इस दो के कारण आप इसको एडिट कर पाएंगे। अगर आपका बैकग्राउंड ढंग से एडिट नहीं हो पाया है तो आप इसको आगे पीछे कर इसको चेंज कर सकते हैं। और इजीली बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अच्छी तरह से एडिट हो गया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसी तरह और टेक्निकल वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहिए।